बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, एज यूजुअल जैसा कि मैं हमेशा घर के टिप्स के साथ आपके लिए घरेलू मसालों के अंदर रहते हुए, आपके किचन के अंदर रहते हुए, आपके किचन की चीज़ें यूज़ करते हुए आपके लिए एक अलग सा हेल्दी सा कुछ ना कुछ लाती हूँ, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ लसूड़े का अचार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है लसूड़े ले लिए, ये तकरीबन 3.5 से 4 किलो लसूड़े हैं। इनको हमने एक जगह पे रख दिया और एक कढ़ाई के अंदर हमने जो है हाफ़ कढ़ाई पानी की बॉईल कर ली और इसके अंदर टहनियों के साथ ही हमने जो है लसूड़े ऐड कर दिए। 3 से 4 मिनट इनको अंदर रहने दिया, इनको एक बॉईल आने दिया। 3 से 4 मिनट बॉईल तो नहीं आया, लेकिन ऐसे इनकी गर्द गुबार और जो है इसका थोड़ा सा ये थोड़ा सा जो है वो ये नरम हो गया। फिर हमने इसको जो है छांव पे एक चटाई बिछाई, उसके ऊपर डाल दिया। हमारे पास 2 कढ़ाइयाँ हुई, 2 बार हमने इसको बनाया और यहाँ पे हमने इसको धूप पे सॉरी छांव पे जो है इसको डाल दिया और इसको बिखरा दिया एक एक करके टहनियों के साथ ही। टहनियाँ नहीं खोलनी, लसूड़े के अंदर पानी चला जाएगा। तो 2 से 3 घंटे के बाद हमने लसूड़े की जो थी कैप्स हमने उतार ली और यहाँ पे हमने जो है इसका मसाला बना लिया। हाफ़ बाउल हमने खुश्क धनिया लिए, हाफ़ बाउल हमने राई दाना लिया और हाफ़ बाउल हमने नमक लिया। अकॉर्डिंग टू नीड आप डाल सकते हैं। ये भी तकरीबन हाफ़ हाफ़ बाउल कलवंजी और मेथी दाना है, साथ ही 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा है और साथ ही 2 से 3 बड़े चम्मच सौंफ है हमारे पास। और 1 बाउल हमने जो है सुर्ख मिर्च, दड़ा मिर्च का ले लिया क्योंकि ये अचार की मिर्च ही कहलाती है। इसके अंदर थोड़े से लसूड़े जो हैं हल्के से ब्राउन हो चुके थे तो वो हमने निकाल लिए और इसके जो हमने इसकी कैप्स उतार ली और इसको हमने 7 से 8 घंटे छांव में रहने दिया। अब ये जो सारे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम सौते कर लेंगे विदाउट घी के। इनको हम आँच जला के इनको जो है हम 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसको जो है मशीन के अंदर दड़ा सा पीस लेंगे। हमने इसको बारीक नहीं पीसना, हल्का सा दड़ा सा पीसना है। हमारे पास अचार का तेल था, पहले का ही ये तेल था। ये सबसे मेन ट्रिक है हमारे अचार की। इसके अंदर आपने एक प्याज का टुकड़ा डाल देना है, जब वो ब्लैक हो जाए तो आपने उसको निकाल देना है क्योंकि हमारे पास पहले से अचार जला हुआ, हम इतना नहीं चलाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है बिल्कुल भी नहीं बारीक हुआ, हल्का सा दड़दड़ा सा हमने इसको जो है पीस लिया है। हमारा अचार, हमारा तेल जो है अच्छे से ब्राउन गरम हो चुका है। हमने इसकी प्याज निकाल ली है, आपने इसकी प्याज बिल्कुल ब्लैक करके निकाल ली है। चूल्हा हमने बंद कर दिया और साथ ही हमने इसके अंदर गर्म तेल के अंदर लसूड़े ऐड कर दिए। ये गंदे हमने निकाल दिए और जो बाकी हमारे पास थे हमने गर्म तेल के अंदर ही, आपने तेल को ठंडा नहीं करना, तेल गर्म गर्म के अंदर ही आपने लसूड़े ऐड कर देने हैं और ऊपर से मसाला ऐड कर देना है सारा। हमने मिर्ची को रोस्ट नहीं किया था, नमक को भी, बाकी सब को रोस्ट किया था और दड़ा सा पीस लिया था। आप देख सकते हैं मिर्ची नमक ऐड करके हमने जो है बाकी सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है और मिक्स कर देना है। आपके पास बड़ी बाल्टी हो या मिट्टी का बर्तन हो या जार हो तो उसके अंदर ये आप रख दें धूप पे, सिर्फ 4 से 5 दिन इतना ज़बरदस्त अचार बनेगा कि लोग आपसे पूछेंगे आपने कैसे बनाया। मसालों का जो है इसमें कम्बिनेशन बहुत कमाल है, ये बहुत ही कमाल सा लसूड़े का अचार। मैंने तो 3rd-4th दिन जब टेस्ट किया तो मेरे आप हैरान रह जाएंगे कि इतना टेस्टी था कि मैं तो हैरान रह गई कि इतना मज़े का अचार और इतने चंद ही दिनों में तैयार हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए, इसको मैंने एक बड़ी बाल्टी में डाल दिया और इसको धूप पे मलमल के कपड़ा बांध के रख दिया। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको आप इसको बनाएं और आपको इसकी रेसिपी बहुत अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त अहबाब भी फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामुअलैकुम।